Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Most Gracious, the Beneficent. I am Sir Nazir Awan. Let me welcome you all in my YouTube channel, The Innovative Learning Style. Dear guys and girls, in my today's lecture of Maths of Class 8, I am going to teach you the way of finding square root and cube root. Dear guys, इससे पहले कि वीडियो में आपको स्क्वायर फाइंड करना और क्यूब फाइंड करना सिखाया था, तो ये उसका रिवर्स एक्शन है, यानी हम पीछे आएंगे। अब हम अगर कहेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पे इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे। अंडर रूट 100, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम 10 × 10 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब 10 स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो अब इसको हम 10 स्क्वायर इंटू 1/2 लिख सकते हैं। अब अंदर की पावर और बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये एक रूल हम ऑलरेडी जानते हैं। 10 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 2 के साथ कैंसिल, तो अब 10 की पावर 1 रह गई है, 1 लिखते नहीं होते, तो इस तरह इसका आंसर 10 आ गया। यानी अब हमने 100 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जो कि 10 है। अब हम आते हैं 1000 का क्यूब फाइंड करते हैं। डियर गाइस, अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1000। तो हम इसको यूं लिखेंगे, अब यहां पे हमें 3 लिखना है, क्योंकि स्क्वायर की जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो यहां कुछ भी नहीं होता, यानी इसकी वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन यहां जब क्यूब रूट हम फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू यहां पे 3 आ जाती है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको 1000 होल की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब आगे चलेंगे, 10 × 10 × 10 और होल की पावर 1/3 होगी, और अगले स्टेप में हम 10 की पावर 3, यानी इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, और होल की पावर 1/3 होगी। अंदर की पावर बाहर की पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, 10³ × 1/3, ये 3 3 के साथ कैंसिल, अब 10³ रह गई है, तो 1 लिखते नहीं होते, तो इस तरह इसका आंसर भी 10 है। यानी 1000 का क्यूब रूट 10 है, और यही इसका आंसर है। डियर गाइस, इसी तरह बहुत सारे नंबर्स लेके आप उसके पहले स्क्वायर फाइंड करें और फिर रिवर्स आएं, उनके फिर स्क्वायर रूट फाइंड करें। इसी तरह कुछ नंबर लेके आप उनके क्यूब फाइंड करें और फिर रिवर्स आके आप उनके क्यूब रूट फाइंड करें। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत दिलचस्प भी है और इजी भी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।